प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना। 13 सितंबर बुधवार, पहला पाठ, कलोसियों के नाम, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 1-11 तक। आप लोग मसीह के साथ मर चुके हैं, इसलिए आप अपने शरीर में उन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में उन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश हैं। उन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। आप भी पहले यह सब कर चुके हैं। जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन बिताते हैं, अब तो आप लोगों को क्रोध वासना, द्वेष, पर निंदा और अश्लील बातचीत सर्वथा छोड़ देना चाहिए। एक दूसरे में झूठ कभी नहीं बोले। आप लोगों ने आपका पुराना स्वभाव और उसके कुकर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुँचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ न यूनानी है, न यहूदी, न खतना है या खतना का अभाव, न बर्बर है, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, वहाँ केवल मसीह हैं जो सब कुछ और सब में है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 20-26 तक। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझ कर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे।
धिकार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिकार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुलोसियों के नाम संत पौलुस की पत्र की अध्याय 3 से लिया गया था। एक सच्चा मसीही वो है, एक सच्चा विश्वासी वो है जिसने यीशु में एक नया जीवन पाया है, जो यीशु में एक नई सृष्टि बना है। पुराने जमाने में जब बपतिस्मा दिया जाता था, वयस्कों को बपतिस्मा दिया जाता था, तो उनको पानी में डुबाया जाता था, 3 बार पानी में डुबाया जाता था। आज भी बहुत सारी कलीसियाएं इसी तरह बपतिस्मा देते हैं। इस पानी में डुबाने का तात्पर्य क्या है? यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना। रोमियों के पत्र की अध्याय 5 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में बताते हैं बपतिस्मा का अर्थ क्या है। वो कहते हैं कि बपतिस्मा का मतलब है यीशु के साथ मरना और जी उठना, यानी एक मसीही एक नई सृष्टि बन चुका है। एक विश्वासी को भी इसी तरह नई सृष्टि बनने की आवश्यकता है। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु येसु कहते हैं कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। हम संसार से अलग किए गए हैं, हम संसार के नहीं हैं, हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। और आज के पाठ में आपने सुना संत पौलुस कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में पौलुस कहते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। पौलुस कहते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। हम इस धरती की चीजें नहीं खोजते हैं, ऊपर की चीजें खोजते हैं। एक विश्वासी की दृष्टि धरती की ओर नहीं होती है, वो संसार में रहता है, संसार का उपभोग जरूर करता है, सांसारिक चीजों की जरूर आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी दृष्टि सदा, उसका मन सदा स्वर्ग की ओर लगा हुआ है। वो स्वर्ग की स्मरणा में जीवन जीते हैं। आगे पौलुस कहते हैं, आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। हम मर चुके हैं, हमारा एक नया अस्तित्व है, हमें एक नई पहचान मिली है। पौलुस आगे कहते हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। पौलुस कहते हैं, ये सब इस संसार की बातें हैं, इससे आप बचे रहेंगे। आगे पौलुस कहते हैं, अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत, ये सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सांसारिक नहीं हैं, हम ईश्वर के राज्य के लिए अलग किए गए हैं। हम प्रभु येसु के सुसमाचार के अनुसार जीने के लिए बुलाए गए हैं। हम ईश्वर की संतान बन गए हैं। आगे पौलुस कहते हैं, आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव उसके कर्मों के साथ उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। हम लोगों ने एक नया स्वभाव धारण किया है, पुराने स्वभाव को हमने उतार दिया है। उड़ाव पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, उस धनी बाप का बेटा अपने घर से दूर चला जाता है, गंदगी में जिंदगी गुजारता है, अंत में जाकर सुअर चराता है, अपने पिता के भवन वापस लौटता है, तो पिता क्या करता है?
पिता उसके पुराने वस्त्र को उतरवाता है और उसे नया वस्त्र पहनाता है। हमने एक नया स्वभाव धारण किया है जो हम मसीह में पाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, वह हमारा मौलिक स्वभाव है। हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं, लेकिन हमने अपने पापमय कार्यों के द्वारा उसको गंवा दिया। लेकिन जो यीशु में विश्वास करता है, यीशु के सुसमाचार को जिसने अपनाया है, उसने उस स्वभाव को पुनः पा लिया है जो उसने गंवा दिया था। ईश्वर का प्रतिरूप जो हम यीशु में देखते हैं, वास्तव में यीशु में हमें अपना ही स्वरूप देखने को मिलता है, अपना मौलिक स्वरूप जो हमारा होना चाहिए था, ईश्वर का प्रतिरूप। इसीलिए पौलुस हमें बताते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2:5 में, आप लोग मसीह का मनोभाव धारण करें, आप लोग मसीह का मनोभाव धारण करें। आगे संत पौलुस कहते हैं, इसलिए आप लोगों में कोई भेदभाव ना हो, ना यूनानी ना यहूदी, ना खतना वाला ना बेखतना वाला, ना स्वतंत्र ना दास, विश्वासियों के बीच, मसीहों के बीच ये भेद नहीं हो सकता है। कई कलीसियाओं में ये देखने को मिलता है, जाति बिरादरी आ जाती है। एक बार हमने यीशु को ग्रहण किया है, हमारी जाति बिरादरी नहीं होती है, हमारी एक ही जाति है, ईश्वर की संतान की जाति। अन्य पहचान हमने गंवा दिया है, यीशु ने हमें नया बना दिया है, यीशु में हम नई सृष्टि बन गए हैं। आज हम इन सारी बातों पर गहराई से मनन करेंगे। और आज का सुसमाचार संत लूकस की सुसमाचार की अध्याय 6 से लिया गया था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य की घोषणा करने आए थे। उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा की। प्रभु यीशु ने लोगों को ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा समझाया, लोगों को समझाया कि ईश्वर का राज्य कैसा होता है, ईश्वर के राज्य का विकास कैसे होता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने खुलेआम स्पष्ट शब्दों में बताया है कि ईश्वर के राज्य में कौन महान है, कौन धन्य है। प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं, धिकार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिकार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिकार तुम्हें जो अभी हंसते रहो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिकार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु की शिक्षाएं बिल्कुल संसार की शिक्षा के विरुद्ध है, विपरीत है। संसार में धनियों को महान माना जाता है, बड़े माना जाता है, बड़े लोग जो ऐश आराम का जीवन जीते हैं, बड़े बड़े हैं, बड़ा बड़ा पद लिए हुए हैं, अधिकार लिए हुए, उनको बड़े माना जाता है। लेकिन प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के द्वारा स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में कौन महान है, धन्य है।
इस संसार में बहुत सारे दुखी पीड़ित दरिद्र हैं। यदि वे यीशु के इस वचन को समझ जाते तो उनका दुख आनंद के लिए कारण बन जाता। लोग कहते हैं इस दुनिया में दो प्रकार के समाचार है, एक है सुसमाचार, दूसरा है संसार का समाचार। एक है सुसमाचार, दूसरा है संसार का समाचार। एक विश्वासी सुसमाचार के अनुसार जीवन जीता है, एक विश्वासी संसार के समाचार के अनुसार जीवन नहीं जीता है। एक विश्वासी ईश्वर के राज्य के मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है, वो संसार के मूल्यों के अनुसार जीवन नहीं जीता है। जो संसार के मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है वो विश्वासी नहीं हो सकता है, मसीह नहीं हो सकता है, ना ही ईश्वर के राज्य का सदस्य हो सकता है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है मत्ती अध्याय 6:24 में, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तुम संसार, धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तुम्हें चुनना होगा। याकूब अपने पत्र में कहते हैं अध्याय 4:4 में, याकूब कहते हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम कि संसार के साथ मित्रता का तात्पर्य है ईश्वर के साथ बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का बैरी बन जाता है। हमें चुनना होता है। हमने मसीहत को एक धर्म बना दिया है, पूजा पाठ, कुछ करना, कुछ जाना, कहीं जाना, नियम कानून। एक मसीही वो है जिसने यीशु को और यीशु के मूल्यों को चुना है। यीशु ने संसार का तिरस्कार किया। जब ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा, उसको कहां भेजा? एक गौशाले में भेजा। यह एक बहुत बड़ा प्रतीक है, यानी ईश्वर ने संसार की हर प्रकार की भौतिकता का तिरस्कार किया, उसका इनकार किया और अपने पुत्र को एक गौशाले में भेजा। प्रभु यीशु हमें एक बहुत ही गहरा जीवन जीने के लिए बुलाते हैं, सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। वास्तव में एक सच्चा मसीही होना, यीशु का शिष्य होना आसान नहीं है, कठिन है। इस संसार में बहुत कम मसीही आज हैं जो यीशु का अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, यीशु के सुसमाचार के अनुसार जीवन जीते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, इस संसार के प्रति हमारे मोह को मिटाइए, हमें तेरे मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, हमें अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाए हुए संसार में जीने की कृपा दीजिए। हम संसार में खो जाते हैं प्रभु, सांसारिक बातों में खो जाते हैं, अनावश्यक बातों में, नश्वर बातों में, जिसका कोई महत्व नहीं है, उन बातों में खो जाते हैं। और हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं, हम लोग इतने दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम उस दुख का तात्पर्य, अर्थ नहीं जानते हैं। हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। हे प्रभु यीशु, वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। उनके सिर पर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद देना यीशु। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।